हरदयाल जी भाई साहब आवाज तो हमें ये जो दुर्दंड घटना हुई है ये एक सभ्य समाज के लिए कलंक है, ये हम सब जानते हैं। आज इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, और ये निंदा करने के लिए यह सारा समाज ही नहीं है, पूरा प्रदेश भर में इस प्रकार के सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पर जिस प्रकार का ये शांत क्षेत्र है, हम सब जानते हैं नवा विधानसभा, ढीडोना विधानसभा, ये पूरा का पूरा शांत क्षेत्र है, इसमें हम सब लोग आपस में शांति से रहते हैं। रात को 2 बजे भी, 3 बजे भी, यहाँ तक कि हमारे माताएं बहनें भी निकलती है, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आज ये बालक जो निर्दोष बालक थे, जिनका कोई दोष नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, अपनी मस्ती में काम धंधा करने के बाद में एक विचार आया कि अब मेला देखने चलेंगे या जहाँ भी वो घूमने का विचार आया उनके बीच में, और वो निकल गए। निकल करके बाहर रोड से आ रहे हैं, आने के बाद में एक जगह रेकी लगी हुई है, और रेकी किसलिए लगी हुई है कि हमको किसी न किसी प्रकार का कोई कृत्य करना है, और कृत्य करने के लिए वो लोग खड़े हुए हैं, और कृत्य करने के लिए जिस प्रकार की रेकी की गई, 3-4 गाड़ियों में 20 से 25 लोग खड़े होकर के ये तय करते हैं कि हमको मारना ही है, और किसको मारना है ये तय नहीं है, और जो जिनको मारना था वो उस समय तक पहुंचे नहीं, मत कर जफा, और नहीं पहुंचे तो ये बालक उससे पहले आ गए और वो बालक शिकार हो गए। यानी कहने का मतलब ये, समाज का कोई भी प्रकार के व्यक्ति होते तो निश्चित रूप से उस घटना में शिकार होते, तो ये सारे समाज के लिए शर्मिंदा होने का विषय है। हम चाहते हैं कि सारा समाज आज ताकत से खड़ा होकर के इसके पक्ष में आए, यही निवेदन है।